अस्सलाम वालेकुम। मैंने SEO का एक फ्री कोर्स शुरू किया हुआ है यूट्यूब पे। इसके अलावा हमारा easyskill.pk है जहाँ पे फिजिकल क्लासेस भी होती है। तो इन सब का एक ही मकसद होता है कि आप लोग इस काबिल बन जाएं कि आप लोग ऑनलाइन पैसा कमा सकें, चाहे वो SEO से है चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग से है। अब SEO बहुत सारे लोग कर रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग बिगनर्स हैं, उनको आइडिया नहीं हुआ होता होगा कि SEO से पैसे कैसे बनाने हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सारे वो स्टेप्स जिनके थ्रू आप SEO को इस्तेमाल करते हुए पैसे बना सकते हैं, चाहे उसमें आप ब्रांड बिल्ड करना चाहें, चाहे फ्रीलांस SEO सर्विस देना चाहें, चाहे आप एक जॉब करना चाहें, वो सारी चीज़ें डिस्कस होगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो में हम SEO को दो तरह से एक्सप्लेन करेंगे। एक तो कि SEO अगर आप कंपनी आपसे करवा रही है SEO, तो उसको उस कंपनी का क्या फ़ायदा हो रहा है या उस वेबसाइट का क्या फ़ायदा हो रहा है। और दूसरा तरीका हम जो जानेंगे वो ये जानेंगे अगर आप SEO सीख रहे हैं तो SEO सीखने का आपको फ़ायदा क्या होगा। अगर एक कंपनी आपसे SEO करवा रही है तो उसका उसको फ़ायदा हो रहा होता है, इसलिए वो आपसे SEO करवा रही होती है। या किसी वेबसाइट अपनी ही वेबसाइट पे SEO कर रहे होते हैं तो उसका एक डिफरेंट फ़ायदे हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो फ़ायदा आता है टॉप पे वो है आपको एक टारगेट ट्रैफिक मिल जाती है। SEO के थ्रू आप प्रॉपर कीवर्ड को टारगेट करके एक ट्रैफिक जनरेट करते हैं, तो आपकी जो ट्रैफिक होती है वो हाईली टारगेट होती है। उसके बाद आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इंटरनेट के ऊपर, लोग आपको आसानी से फाइंड करते हैं। इन्वेस्टमेंट रिटर्न इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, आप बहुत कम इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। आपको एक लॉन्ग टर्म पोजीशन मिल जाती है, रैंकिंग मिल जाती है। ये एक सस्ता तरीका है और इसको मेजर करना, इसके रिजल्ट्स को मेजर करना बहुत आसान होता है। इसलिए कंपनीज की कोशिश होती है कि वो SEO करवाएं, एक ही बार SEO करवा लें और उसके बाद लॉन्ग टर्म पे उसके फ़ायदे लें। क्योंकि अगर एक बार आप रैंक कर जाते हैं टॉप पे तो सिर्फ आपने अपने आपने को मेंटेन रखना होता है, अपने कंटेंट को अप टू डेट रखना होता है, आपकी वो पोजीशन बरकरार रहती है। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स के कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च करते हैं तो दराज जो है पाकिस्तान में वो टॉप पे रैंक होता है, तो उन्होंने अपनी एक पोजीशन संभाल ली है वहाँ पे, वो अपने आप को अप टू डेट रखते हैं, अपनी वेबसाइट को हर तरह की SEO से रिलेटेड ऑप्टिमाइज रखते हैं। तो ये हमने बात की SEO के फ़ायदों के एक वेबसाइट के लिए। अब आपके लिए SEO क्या फ़ायदे, अगर आप SEO सीख रहे हैं तो SEO आपको चार तरह से फ़ायदा दे सकती है। सबसे पहले आप अपना एक ऑनलाइन बिजनेस या वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं। अब उसको हम स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स में पढ़ेंगे कैसे आप वेबसाइट लॉन्च करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग को हम देखेंगे, अमेज़ॉन पे आप कैसे काम कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। उसके बाद हम एफिलिएट मार्केट डिस्कस करेंगे बाकी होस्टिंग कंपनीज की या बाकी ब्रांड्स की। अपने ब्लॉग पे आप कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रमोट करके एफिलिएट कमीशन अर्न कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो करेंगे आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, आप अपनी SEO सीख के बाकी कंपनीज की हेल्प कर सकते हैं SEO ऑप्टिमाइजेशन में। जैसे कि हमने फ़ायदों की जिक्र की कि डिफरेंट फ़ायदे हैं SEO के, तो लोग फिर जो कंपनीज है वो फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं अपनी वेबसाइट की SEO परफॉर्म करवाने के लिए। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे जॉब के बारे में कि अगर आप SEO एक सीखते हैं, फुल टाइम SEO एक्सपर्ट बनते हैं या फिर लिंक बिल्डिंग वगैरह भी सीख सकते हैं उसमें, तो आपको एक जॉब मिल सकती है उसमें, रिमोट जॉब हासिल कर सकते हैं आप किसी बाहर की कंपनी के साथ, या पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनीज हैं उनके साथ आप जॉब कर सकते हैं रिमोट या इन हाउस जॉब। तो आप हमारा जो कोर्स होगा वो आपको इस काबिल बना देगा कि आप SEO का एक फुल टाइम SEO की जॉब हासिल कर सकेंगे। और चौथा जो SEO का फ़ायदा है उसमें आप अपनी एक एजेंसी बना सकते हैं जिसमें आप अपनी SEO की सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। और इस कोर्स में हम ये भी कवर करेंगे कैसे आप आउटसोर्स कर सकते हैं डिफरेंट, अगर आपके प्रोजेक्ट आता है तो उसको आपको आउटसोर्स कर सकते हैं, आप किसी और से करवा सकते हैं उसमें अपना एक फिक्स मार्जिन रख के। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी इस कोर्स में। इसको सीरियसली लेके चलें आप लोग तो आपका फ़ायदा होगा इसमें। अब SEO के डिफरेंट फ़ायदे आप देख चुके हैं, उसके साथ अगर ChatGPT को आप मिलाते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप एक अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। हम इस कोर्स में ना सिर्फ एक SEO के बारे में बात करेंगे बल्कि इसके साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अटैच करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए आप कैसे AI राइटर्स की मदद से आर्टिकल लिख सकते हैं और अपने ब्लॉग्स को रैंक करवा सकते हैं। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप को वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो SEO कोर्स करना चाह रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी सजेशंस के साथ आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।